दोस्तों, शिकारी जानवरों को जंगल में सबसे ऊपर बने रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि हर शिकारी जानवर का तेज और ताकतवर होना बहुत जरूरी है, और अगर वो तेज या फुर्तीले नहीं है तो समझ लो वो भी किसी जानवर का शिकार बन ही जाएंगे। जैसा कि क्या आपने कभी सोचा है कि शेर जैसा जानवर किसी और जानवर का शिकार हो जाए? तो बस अब आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको शिकारी जानवरों को शिकार होते हुए दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जंगली भैंसे और शेरों को बहुत पुरानी दुश्मनी है, और यहाँ तो सच में जैसे ये भैंसे इस शेर के खून की प्यासी हो। और जब यहाँ पर शेर मिलकर एक भैंस को घेर लेते हैं तो फिर भैंस भी मरने से पहले सोचती है कि साला एक शेर को तो मैं लेके मरूंगी। और दोस्तों, ऐसे शेर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये मन में क्या सोच रहा होगा, क्योंकि भैंस की सींग इसकी चमड़ी फाड़कर अंदर घुस गई है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे मछली कांटे में फंस गई हो, और ऊपर से भैंस इतनी तेज तेज इस शेर को हिला रही है कि भैंस की सींग शेर के अंदर बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रही होगी। और यकीन मानो, ये शेर इतने गहरे जख्म की वजह से ज्यादा देर जिंदा नहीं रह जाएगा। अब इस मोटे हिप्पो को तो आप कम मत समझना, क्योंकि जब इन्हें गुस्सा आता है तो फिर ये होता है। दोस्तों, आप इस क्लिप में देख सकते हैं इस हिप्पो की शेर के ऊपर सटक जाती है, और किस्मत देखिए, हिप्पो के बड़े से मुंह में शेर का सर भी फंस जाता है। और फिर हिप्पो इसे शेर के सर को ऐसा तरबूज की तरह दबाता है कि हम तो इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस लंबी सींग वाले जानवर को गैम्स बॉक कहते हैं। वैसे तो ये जानवर भी शिकारी जानवरों के शिकार ही हो जाते हैं, और कहा जाए तो ये जानवर भी एक आसान शिकार ही होते हैं। लेकिन यहाँ कहानी अलग है, क्योंकि जब इस गैम्स बॉक के बच्चे पर हमला होता है तो कैसे कोई माँ अपने बच्चे को मरते हुए देख सकती है? और फिर माँ अपने लंबे लंबे सींगों से चीते पर हमला करती है, और चीता तो फट्टू होते ही हैं, जिसकी वजह से बच्चा बच जाता है। लेकिन फिर भी चीता घास में छुपा बच्चे पर नजर रखे होता है कि कब माँ हटे और फिर वो फिर से हमला कर सके। ये चीज गैम्स बॉक देख रही थी, इस वजह से वो दोबारा से चीता को मारने जाती है। दोस्तों, हमें तो पता ही है कि हमारे लिए पालतू कुत्ते क्या मायने रखते हैं, क्योंकि अगर आपने कुत्ता पाला होगा तो आपको पता होगा कि कुत्तों को हमेशा अपने ओनर के पास ही रहना पसंद होता है। लेकिन फिर भी आप ये मत भूलिएगा कि कुत्ते होते तो जानवर ही हैं, इसीलिए इनके अंदर जानवरों की कई काबिलियत तो पाई ही जाएगी। जैसे कि इस क्लिप में जब इन कुत्तों ने एक जैगुआर को पकड़ लिया तो फिर उस जैगुआर ये कुत्ते ऐसा दबोच रहे थे कि जैसे कुत्ते रही कोई जंगली शिकारी जानवर हो। लेकिन आपको भी पता है कि अगर एक या दो कुत्ते होते तो जैगुआर उन्हें आराम से मार देता, लेकिन इतने सारे कुत्तों के आगे जैगुआर बिल्कुल बेबस था, क्योंकि इतने सारे कुत्ते ग्रुप बनाकर हर एंगल से इस जैगुआर पर हमला करते जा रहे थे, जिसकी वजह से बेचारा जैगुआर मर जाता है। और इन कुत्तों से भी बड़ा कुत्ता तो वो है जो वीडियो बना रहा था, क्योंकि उसे कुत्तों को हटाना चाहिए था या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फोन तो कर ही सकता था। अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अब इस क्लिप में शेर मिलकर एक बहुत ही भारी भरकम भैंस को अपना शिकार बना लेता है, और पूरी मेहनत से शेर भैंस के पिछवाड़े पर लटक कर आखिरकार भैंस को जमीन पर बैठा ही देता है। लेकिन इस शेर को नहीं पता था कि भैंस की मौत आज नहीं लिखी, बल्कि इस शेर की ही मौत आज निश्चित है, क्योंकि एक विशाल भैंस अपने दोस्त को ऐसा देख तुरंत वहां पर पहुंचती है, और फिर शेर का जो हाल करती है, जैसे ऐसा लगता है कि भैंस किसी कागज को हवा में उछाल रही है। अब ऐसी पटकने के बाद शेर पता नहीं बचा भी होगा या नहीं। अब दोस्तों, यहाँ इम्पाला और चीता में कहा सुनी हो जाती है, और हमें लगेगा कि इम्पाला कहाँ इस चीता से जीत पाएगा, क्योंकि इम्पाला तो होते ही शिकार के लिए है, और बिल्कुल ऐसा होता भी है, क्योंकि काफी देर की लड़ाई के बाद इम्पाला आखिरकार इस लड़ाई को हार ही जाता है, क्योंकि चीता के आगे इम्पाला काफी कमजोर जानवर होते हैं, और अब चीता के बच्चे इम्पाला को खाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इम्पाला बहुत ही ज्यादा चालाक था, क्योंकि साला मरने का नाटक कर रहा था, और मौका पाते ही इम्पाला तुरंत उठकर भाग निकलता है। अब जब दोस्तों कुछ शेर भैंसों को मार गिराने की कोशिश करते हैं तो एक शेर तो भैंस को पकड़ने के चक्कर में पहले ही जख्मी हो जाता है, क्योंकि भैंसों को जब गुस्सा आता है तो फिर भैंसे और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है, और इस शेर को तो आप हवा में उड़ता देख ही सकते हैं। ऐसे ही सारे शेरों को हवा में उड़ाकर वहां से भागने पर जैसे मजबूर कर देती है, और फिर भैंसों का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो हिप्पो को हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं, लेकिन असली नाम इनका दरिंदा घोड़ा होता है, क्योंकि ये होते तो शाकाहारी हैं, लेकिन दूसरे जानवरों को अपने मुंह में दबाकर मारने में इन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है, और चाहे पानी हो या जमीन, इनसे कोई भी जानवर उलझना नहीं चाहता,
क्योंकि जब मगरमच्छ जैसे अश्लील जानवर भी एक ही नदी या तालाब में रहकर इन हिप्पो से हमेशा दूर रहते हैं, तो और कोई जानवर के तो बस की बात भी नहीं कि वो हिप्पो से उलझे। और यहाँ ये हिप्पो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए पहले से ही पानी में मुंह डालकर पता लगा रहा है कि अंदर कोई बलात्कार जीव तो नहीं छुपा। और हिप्पो का ऐसा करना उसके काम भी आता है, क्योंकि एक मगरमच्छ उसे पानी के अंदर मिल भी जाता है। और अब ये सारे मगर को चेतावनी भी दे देगा कि दरिंदा घोड़ा आ रहा है, उसके रास्ते से हट जाओ। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा चूहे सांप का मन पसंद भोजन होते हैं, लेकिन एक चूहे होते हैं जिन्हें कंगारू चूहा कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये चूहा ऊंचा कूदने में माहिर होते हैं। और इतना ही नहीं, कूदने के साथ साथ सांप को चूहे अपनी जोरदार लात मारने में भी माहिर होते हैं। दोस्तों, इन सबको और अच्छे से जानने के लिए साइंटिस्ट ने स्लो मोशन कैमरे का इस्तेमाल किया, तो पता चला कि सांप के हमला करने से कुछ मिली सेकेंड पहले ही इन चूहों को अलर्ट मिल जाता है। और इतने टाइम में चूहे अपना करिश्मा दिखा देते हैं, और करिश्मा भी ऐसा वैसा नहीं, उछलने के साथ साथ चूहे अपनी लात को खींचकर इन चूहों के मुंह पर मारते हैं, जिससे कुछ देर के लिए सांप भी शॉक हो जाता है और उसके समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अब दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि हिप्पो से कोई भी जानवर पंगा नहीं लेता, वैसे ही पॉर्क्यूपाइन भी होती है, क्योंकि जो भी जानवर इनसे पंगा लेता है या तो वो मारा जाता है या फिर उसे बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। जैसे इन शेरनियों को रात के अंधेरे में शेर तो नहीं मिला, लेकिन ये साही मिल जाती है, जिससे ये शेरनियां भी देखकर सोचने लगती है कि साला आखिर ये है क्या। और जितनी बार भी शेरनी इस साही को छूकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये है क्या, उतनी बार साही इसे काटा गड़ा देती है। दोस्तों, यकीन मानिए, साही ने इन शेरनियों को इतना काटा गड़ाया कि ये शेरनी हार मान गई और सोचने लगे कि इससे पहले ये छोटा जीव इनके ऐल लगाए उससे पहले ही यहां से निकल लेने में भलाई है। अब जब शेरनी इस काम को नहीं कर पाए, तो उन्होंने जाकर अपने मर्दों को बताया कि रात में उन्हें बहुत ही खतरनाक जीव मिला। तो फिर क्या था, शेर भी उसके पास पहुंच गए और ये भी इसे देखकर सोचने लगे कि ससुरा आखिर ये है क्या। और जैसे ही दो चार कांटे इन मर्दों को भी साही फेंक के मारती है, तो इन्हें भी समझ में आ जाता है कि इससे दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन जरा रुक जाइए, अब पूरा परिवार साथ में कांटे खाने आया है, लेकिन शेर के मुंह से पता लग रहा है कि उसके इस साही से फटी पड़ी है। इसलिए आप खुद देखो, शेर साही से कितनी दूर पर खड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शेरनियों ने अपने आसपास के गांव के भी औरतों को बुला लिया कि सब मिलकर शायद इसका शिकार कर ले। और सबसे पीछे खड़ा मर्द तो आपको दिख रही होगा, जो मन में सोच रहा है कि कहां फंस गए मैं, इन औरतों के चक्कर में ऊपर से टूरिस्ट लोग अलग वीडियो बना के मेरी बदनामी यूट्यूब पर करेंगे। दोस्तों, सोचो, इतने सारे शेर शेरनी, लेकिन इस छोटे से जीव का बाल तक नहीं उखाड़ पाए, और सब अपना पिछवाड़ा लेके वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये पागल लोग फिर से सुबह आते हैं, मतलब साला हद हो गई। अब दोस्तों, साही के सामने तो इन शेर शेरनियों की दाल बिल्कुल भी नहीं गली, जो इन्होंने सोचा क्यों ना हनी बैजर पर अपनी किस्मत आजमाई जाए। लेकिन शेर शेरनी ये बात नहीं जानते थे कि ये भी वो जानवर है जो कह के लेते हैं, मतलब इनके सामने चाहे जो जानवर आ जाए, ये बैजर किसी भी जानवर से बिल्कुल भी नहीं डरते। और आप क्लिप में भी इनकी निडरता साफ साफ देख ही सकते हैं। आखिर में शेर को ही पीछे हटना पड़ता है, और यहां तो पूरे शेर के झुंड ने इन दो बैजर पर हमला कर दिया। लेकिन बैजर भी हर घाट का पानी पिए होते हैं, और इन शेरों की टोली से डर तो बिल्कुल भी नहीं भागते, बल्कि डट कर इनका मुकाबला करते हैं। दोस्तों, शेर तो ये बात अच्छे से समझ गए थे कि साही के मुंह नहीं लगा जाता, लेकिन इस कुत्ते को ये बात कौन समझाए, क्योंकि ये साही के मुंह लग जाता है। लेकिन जो भी हो, इस दिलेर कुत्ते का सामर्थ्य मानना पड़ेगा, क्योंकि इतने कांटे चुभने के बाद भी इसने साही को मार दिया, और सही समय पर रेस्क्यू करने वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से कुत्ते की जान बचा ली जाती है। लेकिन फिर भी जरा कुत्ते की हालत तो देखो, अगर इसे सही समय पर मदद नहीं मिलती तो इन्फेक्शन की वजह से कुछ घंटों बाद कुत्ता भी मारा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये दो कुत्ते इस साही की जान लेने में लगे हुए हैं, लेकिन सच बताइए तो ये वीडियो हमें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि एक तो कुत्ते का मालिक पास में ही खड़ा है जो इन कुत्तों को ऐसा करने से रोक सकता है, क्योंकि कुछ भी हो साही एक मासूम जानवर है, और दूसरा साही के कांटे इन कुत्तों को भी चुभते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।